नमस्कार, आज हम बात करेंगे एडिनोइड्स के बारे में। आपने आप में से कुछ पेरेंट्स ने जिन्होंने अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन या ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया होगा, हो सकता है शायद आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपके बच्चे को एडिनोइड्स की प्रॉब्लम है। अक्सर हमें एज अ पेरेंट लोगों को या हमें पता नहीं होता है कि एडिनोइड्स क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसमें सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ती है। इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना है कि एडिनोइड्स क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर मैं बात करूँ कि एडिनोइड्स के बारे में, ये हमारा फेस है। अगर हम इसको इसमें समझें, ये हमारा फेस के अंदर का पार्ट है। यहाँ से हमारा नोज़ की ब्रीदिंग होती है और यहाँ से माउथ की ब्रीदिंग होती है। तो नोज़ के पीछे एक यहाँ पर एडिनोइड टिश्यू होता है। एडिनोइड टिश्यू इज़ जस्ट लिम्फैटिक टिश्यू लाइक टॉन्सिल्स। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे टॉन्सिल्स या एडिनोइड जैसे लिम्फैटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये एडिनोइड, स्पेशली ये वाला एडिनोइड वाला लिम्फैटिक टिश्यू साइज़ में बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक छोटा सा एडिनोइड टिश्यू यहाँ पर नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन जब ये साइज़ में बढ़ जाता है तो एक ये बहुत ही बड़ा बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे नोज़ की ब्रीद बच्चे की नोज़ की ब्रीदिंग को कम्प्लीटली बंद कर देता है, जिससे कि बच्चा नोज़ से ब्रीद नहीं कर पाता, बिल्कुल भी ब्रीद नहीं कर पाता और बच्चे को मुंह से सांस लेना पड़ता है। इसे हम कहते हैं एडिनोइड्स की प्रॉब्लम, है ना। आम भाषा में मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं एडिनोइड्स जब ये रास्ता हमारा सांस का बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी? इसके सिम्टम्स में सबसे पहले बच्चा जो है स्टार्ट करता है खराटों के साथ। जब भी वो सोता है उसे खराटे आते हैं, आवाज़ आती है, वो मुंह से सांस लेके सोता है। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो खराटे दिन में भी आने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ती जाती है और साथ में उसके कान में बार बार इन्फेक्शन होता है, उसको बार बार कोल्ड होता है और जिससे बच्चा परेशान रहता है। ये इसके सिम्टम्स हैं जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को एडिनोइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम बात करें कि इसका आगे क्या अगर मान लो हम एडिनोइड्स का इलाज नहीं करवाते तो बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसका इलाज करना इतना ज़रूरी क्यों है? खराटे तो सबको आते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सबका ही ऑपरेशन करें। तो इसलिए हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हम एडिनोइड्स के लिए इतना सीरियस क्यों होना है हमें अपने बच्चे को लेके। अगर हमारा बच्चा स्नोरिंग करता है तो एडिनोइड्स अगर लंबे समय तक हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं तो वो हमारे बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे बच्चे के डेंटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक परमानेंट, ये सारी परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हैं। आमतौर पर यही बात है कि समझा जाता है कि एडिनोइड्स कुछ समय के बाद चले जाएंगे, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चे के एडिनोइड्स का ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारे बच्चे में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। जो फिज़िकल ग्रोथ उसकी रुक गई वो हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, जो मेंटल ग्रोथ उसकी ख़राब हुई वो हम रिवर्स नहीं कर सकते, जो उसके कानों में बार बार इन्फेक्शन की वजह से उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी स्पीच डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई वो भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये और दांतों का स्ट्रक्चर जो उसका ख़राब हुआ वो भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये कुछ इरिवर्सिबल बातें हैं जो कि हमारे बच्चे में डेवलप हो जाएंगी टाइम के साथ। हो सकता है जैसे जैसे वो बड़ा हो उसका एडिनोइड्स ठीक हो जाए, बट उसकी एडिनोइड्स की प्रॉब्लम की वजह से उसके अंदर जो चेंजेस आ गए बच्चे के अंदर वो परमानेंट रहेंगे। इसलिए हमें समय रहते एडिनोइड्स का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसके सिम्टम स्टार्ट होते हैं स्नोरिंग से। बच्चे को स्नोरिंग होती है, रात को सांस वो मुंह से लेता है, दिन में भी अगर बढ़ जाए एडिनोइड्स का टिश्यूज़ तो दिन में भी मुंह से सांस लेगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, गले में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, ज़ुकाम उसको बार बार रहेगा। और अगर ये प्रॉब्लम एक या दो साल तक या तीन साल तक कंटिन्यूस रहे तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है बच्चे में जिसको हम कहते हैं एडिनोइड फेसिस, मतलब बच्चे के फेस में परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मैं एक फ़ोटो लेके आया हूँ, इस फ़ोटो को अगर आप देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि ये जो चेंजेस हैं, इस तरह का फेस अगर बच्चा बच्चे आपके बच्चे का है तो इसका मतलब ये है कि उसे बहुत सीवियर प्रॉब्लम है एडिनोइड्स की, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसका फेस परमानेंटली ख़राब डिफॉर्म हो सकता है। इसमें देखिए, बच्चे का मुंह ओपन है, या तो नींद में सोते समय ऐसे मुंह ओपन है बच्चे का, या दिन में भी अगर ऐसे मुंह ओपन है, ये वाला एरिया बच्चे का बड़ा हो गया है एंड उसके दांतों के स्ट्रक्चर भी ख़राब होने शुरू हो गए हैं, दांत उसके बाहर की तरफ आएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स परमानेंटली आपके बच्चे में आ सकती हैं अगर समय रहते हमने एडिनोइड्स का ट्रीटमेंट नहीं कराया। तो अब बात आती है ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर एडिनोइड्स का साइज़ पे डिपेंड करता है और सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर सिम्टम्स कम हैं तो हम सिर्फ मेडिसिन से इसका इलाज कर सकते हैं, कुछ समय तक, लंबे समय तक मेडिसिन चलेगी और इसका इलाज संभव है। लेकिन अगर बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो आपके ई एन टी सर्जन डिसाइड करेगा कि हमें बच्चे को कब हमें मेडिसिन तक ट्रीट करना है और कब हमें उसको सर्जरी के लिए जाना है। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सर्जरी बहुत ही सिंपल होती है और इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। हम एंडोस्कोपी के लिए एडिनोइड्स को 100% रिमूव कर सकते हैं एंडोस्कोप से, और इसके लिए हमारे पास स्पेशल टेक्निक है, हमारे सर्वोत्तम ENT सेंटर में जो लेटेस्ट टेक्निक है वो अवेलेबल है, दैट इज़ कोबलेशन। कोबलेशन के ज़रिए हम एडिनोइड्स को रिमूव करते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रो डिवाइडर एंड कोबलेशन। तो कोबलेशन का फ़ायदा ये है कि कोबलेशन से आसपास के टिश्यू में बर्निंग नहीं होती, ये बिल्कुल प्रिसाइज कोल्ड बर्निंग कह सकते हो आप इसे। इट यूजेज अ प्लाज्मा टेक्निक टू बर्न द एडिनोइड टिश्यू, जिससे कि हमारी रिकवरी बहुत ही फास्ट है, बच्चा अगले दिन स्कूल भी जा सकता है एंड उसकी एक ही दिन में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं, नेक्स्ट डे ही कैन गो टू स्कूल। ये इसका ट्रीटमेंट है एडिनोइड टिश्यू का। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेकिन हम आज इसको करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम बच्चे की जो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हैं उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी डिस्कस करी। कुछ एडिनोइड टिश्यू के ट्रीटमेंट को लेकर कुछ जनरल पब्लिक में मिथ डेवलप हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहला, पेरेंट्स डिले करते हैं सर्जरी को, ये समझते हैं कि जनरल पब्लिक में ये बात है कि ये समय के साथ चला जाएगा, इसका इलाज क्यों करवाना है। तो इसका जवाब ये है कि समय के साथ हो सकता है एडिनोइड्स 12-13 साल तक चला जाए, लेकिन उसकी वजह से तो परमानेंट चेंजेस आपके बच्चे के शरीर में आ जाएंगे, वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट उसके साथ रहेंगे। तो समय रहते अगर इसका इलाज ज़रूरी है, अगर प्रॉब्लम 2 या 3 साल तक है, उसके बाद रिग्रेशन स्टार्ट हो गया, दैट्स ओके, बट उसके बाद भी अगर 3 साल की एज या 4 साल की एज के बाद भी परसिस्ट कर रही है, वी हैव टू डू दिस सर्जरी। लेकिन अगर कम एज में भी सिम्टम्स ज़्यादा हैं तब भी हमें ऑपरेट करना है, तो इन बातों का हमें समझना होगा। दूसरी, इसमें जो मिथ लोगों के अंदर है, माइंड में है, कि एडिनोइड इज़ ए लिम्फेटिक टिश्यू, तो इसका रोल है हमारी इम्यूनिटी में, तो क्या ऐसा है कि अगर हम एडिनोइड रिमूव करेंगे तो हमारे बच्चे की इम्यूनिटी लो हो जाएगी। ये एक मिथ है। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमारे बॉडी में देर आर थाउजेंड्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, उसमें से एक है एडिनोइड टिश्यू। अगर हम उसे रिमूव करते हैं तो इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 1,000 सोल्जर्स की एक आर्मी है, ठीक है, उसमें से अगर एक सोल्जर बीमार है या काम ठीक से नहीं कर पा रहा है या इंजर्ड है, तो बेहतर है कि उसे हम आर्मी से रिमूव करें, सो दैट बाकी आर्मी अपना फंक्शन आराम से कर पाए। इसी तरह हमारा एडिनोइड टिश्यू एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, लेकिन अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमें प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहा है, तो उसे रिमूव करने में हमारी बॉडी को फ़ायदा होगा। एक आखिरी मिथ इसमें है कि इसमें रिकरेंस, मतलब ये बार बार अगर हम निकलवाएंगे तो ये दोबारा हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर हमने दूरबीन के ज़रिए एंडोस्कोपिकली इसको पूरा अंडर विजन रिमूव किया है, तो इसके वापस आने के चांस बहुत मिनिमल है, प्रैक्टिकली ज़ीरो है। थियोरेटिकली यू कैन से इट इज़ 5-10, 5%, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया कि एडिनोइड वापस आया है।
लेकिन एक पुरानी टेक्निक्स में क्या था, हम एक्यूरेट से करते थे, ब्लाइंड रिमूवल करते थे, उसमें हमें पता ही नहीं चलता था कि एडिनोइड कितना रिमूव हुआ है, उस केस पे रिकरेंस के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लाइक कोबलेशन, माइक्रो डिब्राइडर, एंडोस्कोप्स विद एंगल्ड एंडोस्कोप्स इसको रिमूव करते हैं, तो इसके रिकरेंस के चांस प्रैक्टिकली जीरो माने जाते हैं। थियोरेटिकली यू कैन से 1 to 2% या 5%। तो ये बात होगी एडिनोइड्स के बारे में। इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू।